आज मैं लाई हूँ फिर से मैंगो की एक डिश जिसे हम तुरंत बना सकते हैं अगर हमारे गेस्ट आए हैं। और वैसे भी हम घर में भी इट्स अ वेरी गुड स्टार्टर, से कभी भी कैसे भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पके हुए आम। आप चाहें तो हापुस लें, केसर लें, बादामी लें, जो आपको घर में हो वो लें। इसके लिए एक बड़े बोल में 2 बड़े आम कटे हुए स्क्वायर पीसेस में कटे हुए आम लें। अब इसमें आम से थोड़ा कम मतलब करीब 1 टमाटर बारीक चॉप किया हुआ डालें, बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च 1 से 1.5 चम्मच, बारीक कटी हुई 1 से 1.5 चम्मच शिमला मिर्च हरी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ, बहुत सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी जरूर काट कर डालें। अब इसमें स्वाद अनुसार या थोड़ा सा आधा नींबू करीब निचोड़ दें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार काला नमक और चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिलाएं और फ्रिज में ठंडा होने रख दें। फिर इसे सर्व करें। ये एक बहुत ही यूनिक सी डिश है, इसे एक बार आप ज़रूर बनाएं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसे आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। एक बार आप बनाएंगे, खाएंगे तो आप बस बार बार बनाएंगे। बनने में आसान, आम ज़रूर आप इसमें पका हुआ लें, मीठा आम होना चाहिए, खट्टा मीठा और गला हुआ ना हो, ये ध्यान रखें। तो आप बनाकर खाकर मुझे बताएं आपको कैसी लगी, और इसी तरह नई नई डिश के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।